हम इसके अंदर डाल देते हैं मिक्सी के अंदर। अभी हम इसके अंदर ब्रेड डालेंगे, जो हम लोग ने ब्रेड को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा था, हम लोग सब कुछ एक साथ ही डाल देंगे। हम यहाँ पे चिकन लिए हैं, बोनलेस चिकन, जिसे हम एकदम अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं और ये पूरा बोनलेस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम इसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। इस चिकन को भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो अब ध्यान रखें थोड़ा चिकन की मात्रा ज़्यादा लें, ब्रेड ज़्यादा ना लें, नहीं तो वो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हमें बस थोड़ा सा ही ब्रेड लेना है, इसलिए मैं अभी 4 ब्रेड ली थी। हम यहाँ पे थोड़ा धनिया पाउडर डाल रहे हैं, तो ये मेरा होममेड भुना हुआ धनिया पाउडर है जो इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे हम गोल मिर्च पाउडर लिए हैं, इसे भी हम डाल देंगे। और थोड़े हल्का कलर के लिए हम यहाँ पे काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। आप सिर्फ रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे हरी मिर्चों का इस्तेमाल किए हैं इसीलिए हम रेड चिली पाउडर नहीं डाल रहे हैं। अभी हम इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो आप इसमें नमक डाल दें, उसके बाद से आप ढक्कन लगा के इसका एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लें। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा सब कुछ कितनी अच्छी तरह से मिल चुका है और इसका कितना अच्छा से एकदम पेस्ट तैयार हो गया। तो आइए इसे एक प्लेट में निकाल लिया जाए। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। हमें इसके अंदर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालना है। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम अपनी हाथों से इस तरह से इसे पूरा मसलेंगे, पूरा जैसे हम लोग आटा वगैरह गूंथते हैं ना उसी तरह से। तो हमें उसी तरह से एकदम अच्छी तरह से इसे इस तरह से मसल के इसका डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा डो है ना, ये रेडी हो चुका है। अभी हम इसे क्या करेंगे ना, एक शेप दे देंगे चौकोन शेप में, ताकि हम इसे जब कट करें तो बहुत अच्छा तरीके से इसका शेप आ सके। तो हम इसे सभी नगेट्स को बना के रेडी कर लेना है। तो देख पा रहे हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे आइए बाकी सभी को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हम आप इस तरह से इसे एकदम अच्छी तरह से तल लें दोनों साइड से, अच्छी तरह से कलर आने तक। तो आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर सुनहरा कलर में आ गया है ये हमारा।
तो ये हमारे जो नगेट्स है ना, ये बनकर रेडी हो चुका है। हम इसे